सीपीआई कार्यालय रांची में झारखंड राज्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जहां मौजूद अध्यक्ष भुवनेश्वर मेहता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा, पार्टी के रिन्यूअल, साथ ही साथ पूरे देश और राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार और लगातार बढ़ती जा रही बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उचित कदम न उठाए जाने पर चर्चा की जा रही है। राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों पर अब तक सरकार खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि अपने 2 साल पूरे होने पर भले ही सरकार ने कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं। बेरोजगारी अब भी अपनी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी की वजह से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए विवश हैं और बाहर काम करने के कारण यहां की लड़कियों का शोषण किया जाता है। आज इस बैठक में चर्चा कर हमने आगे की रणनीति भी तैयार की है कि किस तरह से सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंचाई जाए। अब देख रहे हैं पूरे देश में और झारखंड में जो महंगाई का आलम है, भ्रष्टाचार है, फिर ये लगातार ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। न तो केंद्र सरकार बराबर वादा किया 2 करोड़ लोगों को हर साल में काम देगा, 2 लाख को भी नहीं दिया। अभी तक जो राज्य सरकार भी है, वहाँ के भी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बराबर बेरोजगारों को काम देने का बात कहा है, अभी तक वो जमीन पर नहीं उतरा है। बड़ा बहुत अभी जब 2 साल बीत गए सरकार के जश्न मनाएगा तो कुछ लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। यहाँ भी बेरोजगारी, तो झारखंड अलग राज्य है, 21 वर्ष हो गया, 22वां में हम प्रवेश कर गए, लेकिन जो अलग राज्य का एक सपना था यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, पलायन नहीं होगा, लेकिन आज बड़े पैमाने पर केवल पुरुष ही नहीं, नौजवान ही नहीं, हमारे राज्य की लड़कियाँ भी, जूतियाँ भी दूसरे राज्यों में जा करके ट्रेन डायर नौकरानी का काम करती है। शोषण, उनका पैसा तो कम मिलता ही, दैहिक शोषण भी होता है। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। ग्रीड इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीडी, दोज हू आर लीविंग द टाउन एंड गोइंग आउटसाइड फॉर यू नो स्टडीज, देयर हायर स्टडीज एंड देयर एजुकेशन। आई वॉन्टेड माई सन टू स्टार्ट विद द कोडिंग क्लासेस, so I researched it online, I got through all the reviews and everything, then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real, we can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.